नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ सोनाली जोशी। तालिबान ने जब से अफगानिस्तान पर कब्जा किया है, तब से देश में बैठे कट्टरपंथी भी इन आतंकियों का समर्थन करते नजर आए। इसमें अनपढ़ ही नहीं बल्कि पढ़े लिखों की भी जमात शामिल है, चाहे वो सपा सांसद डॉक्टर शफीक उर रहमान हो या शायर मुनव्वर राना। एक के बाद एक ये लोग इन आतंकियों का जमकर समर्थन कर रहे हैं। लेकिन अब सीएम योगी ने विधानसभा में विपक्ष पर तीखा हमला किया है। कब, कहां, क्या कहा सीएम योगी ने, चलिए आपको बताते हैं। विधानसभा के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन पर चर्चा के दौरान जवाब देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई मुद्दों पर विपक्ष पर तीखा हमला किया। तालिबान से जुड़े कुछ विवादित बयान विपक्ष लगातार दे रहा है। ऐसे में सूबे के मुखिया ने उन्हें करारा जवाब देकर आईना दिखाया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के कुछ लोग बेशर्मी के साथ अफगानिस्तान में उस तालिबान का समर्थन कर रहे हैं जो महिलाओं और बच्चों के साथ क्रूरता कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ भी तालिबानीकरण करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री का सीधा निशाना समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ था। दरअसल वो विधानमंडल में कांग्रेस की नेता आराधना मिश्रा मोना के महिला कल्याण को लेकर उठाए गए सवाल के जवाब में ये बात कही थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों की तरह हम माफियों को ढोकर नहीं चलते। ऐसे लोग पूरे प्रदेश का परसेप्शन खराब कर रहे हैं। हमने माफियों पर बुलडोजर चलवाया और अवैध कब्जा खाली करवाया। अब वहाँ आवाज बनेगा जिसमें कोई दलित रहेगा, कोई गरीब रहेगा, ये होता है सामाजिक न्याय। अब तक हमारी सरकार ने 1500 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त की है। नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने कोरोना महामारी को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये महामारी है और महामारी में हर व्यक्ति को बचाना हमारी प्राथमिकता है। जिस ईमानदारी के साथ हमने ये काम किया है ये सभी ने देखा है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका है। कुछ लोगों ने कहा कि वहाँ का मॉडल अच्छा होगा। अमेरिका में कोरोना में 79% लोगों की मौत हो गई। इस तरह इंग्लैंड और ब्राजील जैसे देशों में भी मौत हुई। मुख्यमंत्री ने देश का आंकड़ा पेश करते हुए कहा कि महाराष्ट्र की आबादी के हिसाब से 64 लाख केस आए, 1,39,000 मौत हुई, यानी 96% मौत हुई। यूपी की आबादी 24 करोड़, जिसमें से 17,08,000 कोरोना केस आए, जिसमें मौत हुई 22,783। ये आंकड़े सरकारी पोर्टल पर भी हैं, कोई भी देख सकते हैं। आंकड़े छुपाने से काम नहीं चलेगा, हमें देश के वैज्ञानिकों का सम्मान करना चाहिए। आज यूपी में 4 लाख टेस्ट होने की क्षमता के लिए लैब तैयार कर लिया गया है। आज हम लोग 7 करोड़ लोगों के टेस्ट कर चुके हैं। 6 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन दी जा चुकी है। सबसे ज्यादा रिकवरी रेट और सबसे कम मौतें उत्तर प्रदेश में हुई हैं। ये जवाब था उन कट्टरपंथियों को जो लगातार तालिबान के समर्थन में रहते हैं, तालिबान का कब्जा सही बताते हैं। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने लोगों को आईना दिखा दिया है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही, बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।